उन 13 माननीय सदस्यों का जिन लोगों ने एडजॉर्नमेंट के लिए मोशन दिया था 193 के अंतर्गत, जिसमें कांग्रेस के हमारे 4 सदस्य थे, 3 उसमें से नहीं, 1 हैं, 3 हमारे बट्टा थे कांग्रेस के, 2 हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप अंत तक हैं और अंत तक बने रहेंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। मित्रों, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि आपको आकर्षित करना पड़ेगा, लेकिन अपने उत्तर सुन, और जो सम्माननीय सिंधिया जी ने चर्चा की शुरुआत की थी, हमारी ओर से बीरेंद्र जी बोल रहे थे चंपारण की बात, वेद पुराण की बात, तो उतना मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं, पीछे जाने में लंबा वक्त लगेगा। विभाजन का दंश झेल रहा स्वतंत्र भारत, जहाँ एक तरफ अनेक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, वहीं बिगड़ती राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण रोजगार अवसरों की अत्यंत कमी के चलते हम तीव्र औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे थे, किंतु इसके अतिरिक्त हमें कृषि के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया भी हमारे लिए आवश्यक थी, और कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्रतम प्रयास करने आवश्यक थे। इसमें हमने क्या किया, ये एक अध्ययन का विषय है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि 60 के दशक में मध्य में, यानी 15-16 बरस के बाद, 60 के दशक में के प्रारंभ में नीति निर्धारक ऐसी कृषि तकनीकियों के खोज में थे जो रूपांतर कर सके, और यह तकनीकी चमत्कारी बीजों के रूप में सामने आई जो कि मैक्सिको में सफल हो चुकी थी। इस प्रकार भारतीय कृषि में हरित क्रांति के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, और यह क्रांति उच्च पैदावार के बीज, रसायन, कीटनाशक, भू मशीनीकरण पर आधारित थी। इस क्रांति के कारण भारतीय जो कृषि थी उसकी कला में परिवर्तन हुआ, और हमारे यहाँ खाद्यान्न का संकट भी था। अब 60 के दशक के मध्य से लेके 80 के दशक तक हरित क्रांति उत्तर पश्चिम के राज्य, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राज्यों तक फैली, और 80 के दशक के प्रारंभ में ये तकनीकी मध्य भारत, पूर्वी भारत की ओर भी बढ़ा, लेकिन बहुत मंद गति से बढ़ा। लेकिन फिर भी देश के अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का, विशेषकर चावल और गेहूं, उच्च पैदावार के बीजों के प्रयोग ने कृषि उत्पादकता को पर्याप्त तेजी प्रदान की, और इससे हरित क्रांति के प्रारंभिक दौर में गेहूं की उत्पादकता में 75% की बढ़त हुई। ये अच्छी बात है, परंतु भारतीय मानसून अत्यधिक अनिश्चित, अनियमित एवं मौसम आधारित होने के कारण उच्च पैदावार के बीजों की अधिक सिंचाई और उर्वरक की मांग को झेल पाने में काफी असमर्थता रही। अब हरित क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए उच्च क्षमता, विश्वसनीय और कम ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों एवं मशीनों की भी आवश्यकता महसूस हुई, जिन्हें सीमित संसाधनों से पूरा किया जाना बहुत कठिन था। सिंचाई की विभिन्न तकनीकियों के बाद भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी, और 1980 से 87 में खराब मानसून के कारण पड़े सूखे ने हरित क्रांति के दीर्घकालीन उपयोगिता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उच्च पैदावार बीजों के सीमित खाद्यान्नों के प्रयोग ने अंतर खाद्यान्न असंतुलन उत्पन्न किया। भारत के समस्त क्षेत्रों में हरित क्रांति के एक समान प्रयोग और परिणाम न होने के कारण अंतर क्षेत्रीय असंतुलन भी सामने आए। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण किया, इसमें कहीं दो राय नहीं, उसके लाभ भी हमें हुए, किंतु कृषि से जुड़े हुए जब हम परंपरागत, ये जब वेद पुराण की बात कर रहे थे तो बहुत लोगों को लग रहा था कि भाई कहाँ चले गए,
लेकिन कृषि से जुड़े हुए परंपरागत मूल एवं संस्कृति जो दशकों से 85% लघु सीमांत जिनसे जुड़े थे विलुप्त हो गए और साथ ही हानिकारक उर्वरकों कीटनाशकों ने पर्यावरण को दूषित कर कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, इसका प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ा और उसके परिणाम में रात लुधियाना में था, वहाँ लोग बता रहे थे कि आपके यहाँ जो गेहूं पैदा हो लेता है उसके आटा की रोटी से ज़्यादा लोग बाजार में मध्य प्रदेश के गेहूं का आटा खोजते हैं। हम इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। इसके अलावे पंपिंग सेट ट्यूबवेल के अत्यधिक प्रयोग ने भूमिगत जल के प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रभावित किया। हरित क्रांति के लाभ हुए हैं, इसमें कोई दो तोड़ा नहीं है, लेकिन जब जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसके नुकसान क्या होने वाले हैं इसकी अभी चिंता नहीं करते हैं, तो लाभदायी योजना भी हमारे लिए बड़ी हानिकारक भविष्य में सिद्ध होता है। अब ये जो जल स्तर नीचे गया, उच्च पैदावार के बीज उर्वरक और मशीनों की तो पहुंच निर्धन किसानों के नजदीक कम हो गई। किसान हूं हम सब लोग, किसान के बेटा हो या पढ़े लिखे हो तो भी कृषि की जानकारी है। इनमें इतना तो निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारे गांव में 95 लोग छोटे जोत वाले हैं, 4-5 लोग बड़े जोत वाले हैं, उनके पास ट्यूबवेल है और हम जो छोटे किसान हैं तो 200 रुपये प्रति घंटा उससे, वो जो बड़ा किसान है उसका बेटा या उसका आदमी कुर्सी लेके ट्यूबवेल के नज़दीक बैठता है और घड़ी देखता रहता है, 8 घंटे यदि खेत में पानी पटा तो 1600 रुपये उसको देना पड़ता है। तो ये जो बीज उर्वरक और मशीन, फिर जल स्तर नीचे जाना, तो निर्धक कृषकों तक पहुंच न होने के कारण कृषक समुदाय में असमानता बढ़ गई और अनेक निर्धन किसानों में इस कारण ऋणग्रस्तता भी दृष्टिगोचर हुई। माने एक प्रकार से जिसे आर्थिक जगत में हम बोलते रहते हैं कि इस देश में 70 वर्ष की आज़ादी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि देश में गरीबों की गरीबी बढ़ी और अमीरों की अमीरी बढ़ी। अब कौन सी नीतियाँ थी उसकी हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस मामले में हम भी अपने गांव में देख रहे हैं जो गरीब किसान थे उनके पहुंच से ये दूर रहा और ज़्यादा प्रभावित हुआ। इन सब प्रभावों को खत्म करने के लिए जैविक कृषि, जैविक और पर्यावरण परक तकनीकों का प्रयोग, जल प्रबंधन, संचयन, सॉइल क्वालिटी, नमी को बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देना, ऐसी विकसित तकनीकों का प्रयोग करना जो न केवल लागत कम करे अपितु प्राकृतिक वातावरण को हानि न पहुंचाए आवश्यक हो गया। साथ ही भारत को पूर्ण खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि और अधिक आधुनिक उपकरण विविधीकरण की आवश्यकता हुई। भारतीय कृषि में व्यापारिक फसलों के विविधीकरण, वर्षा जल संरक्षण, एग्रो प्रोसेसिंग, उद्योगों को प्रोत्साहन, वन संरक्षण, बेकार पड़ी भूमि के प्रयोग, निर्यात संवर्धन के साथ साथ सतत उत्पादकता और उत्पादकता क्रांति की आवश्यकता भी महसूस हुई और जिसके तरफ ठोस कदम बढ़ाना अति आवश्यक हुआ। कदम बढ़े थे लेकिन ठोस कदम बढ़ाना ये बहुत आवश्यक हुआ और हरित क्रांति ने जो हमें यह सीख भी प्रदान किया कि तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र उत्पादकता तो बढ़ाई जा सकती है, परंतु इस वृद्धि को दीर्घकाल तक सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संस्थागत एवं सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन अति आवश्यक है। हरित क्रांति आवश्यक है लेकिन उसके लिए ये मौलिक आवश्यकता है, शायद इसकी चिंता हमने नहीं की। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि का सफलता का अन्य सहायक क्षेत्र, किसानों की आमदनी बढ़ाने के और जो क्षेत्र हैं, फुलवानी, बागवानी, मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, पशुपालन, दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, मधुपालन इत्यादि, तो सफलता में ये सब दृष्टिगत होना स्वाभाविक है, तब इसकी सफलता मानी जाएगी। अब इसी विषय पर काम हमारे बाद भी, मैंने हमारे पहले भी हुआ, लेकिन इसी को हम तेज कर रहे हैं और इसी के दम पर हमने चुनाव के पहले बहुत साफ साफ कहा है, सुनने में किसी को गड़बड़ी हो सकती है, पढ़ने में गड़बड़ी हो सकती है, या पढ़ने और समझने के बाद भी राजनीतिक कारणों से बोलता हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि
कि हम लागत मूल्य की 1.5 गुना देंगे, आमदनी बढ़ाएंगे 1.5 गुनी आमदनी। और जब हम सरकार में आए तो सरकार में आने के बाद तुरंत हमने आमदनी बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई और बरेली की सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 22 आते आते 2 गुना कहा, ऐसे ही नहीं कहा, हमने कमेटी बनाई और कमेटी ने 15 में जो अनुशंसा की तो 16 में उसको लागू भी किया और 17, 18, 19, 20 के लिए भी हमने कार्य योजना भी बनाया, रोड मैप भी बनाया है। लेकिन हमारे महताब जी नहीं हैं, वो हमको कह रहे थे कि आप ये बताइए कि 10 साल में जो हुआ आपने 3 साल में क्या किया, ये सवाल आपने सुना होगा। तो इस दृष्टि से मैं थोड़ा 10 साल से उनको पीछे ले जाऊंगा, वो सुन रहे होंगे नहीं तो बाकी मित्र बताएंगे कि 10 साल से पीछे 4 साल 2000 से 2004 के बीच में, 2000 से 2004 के बीच में एक राष्ट्रीय मंडी बनाई जाए, ई मार्केटिंग हो, किसान को अच्छा कंपटीशन हो और उनको मूल्य मिले। इसके लिए 2004 में 2001 से 3 तक राज्य की कृषि मंत्रियों के साथ कई बैठकें हुई और 2004 के प्रारंभ में राज्यों को मॉडल मंडी एक्ट भेज दिया गया। एक और निर्णय हुआ, ये जो यूरिया बनाने वाली कंपनी है 50,000 करोड़ से ज्यादा सरकार के खजाने से जाता है और वो जो पैसा जाता है किसान को सस्ते उचित दाम पर उचित समय पर यूरिया मिले, लेकिन वो मिलता उस समय भी नहीं था। मुझे याद है मैं लोकसभा में अटल जी जब थे उस समय भी थे, लेकिन 89 में जब हम आए थे तो पहला बार जो हमको शून्यकाल में मौका मिला था तो हमने यही मांग किया था कि मेरे यहां मोतिहारी में यूरिया का रैक भेजिए। तो ये उस समय भी चिंता का विषय था और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसी पूसा के अंदर काफी मेहनत करके 3 से 5 के बीच में फील्ड ट्रायल करके कृषि मंत्रालय को दिया कि नीम कोटेड कर दो तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है सिंथेटिक दूध के बनाने में फिर केमिकल फैक्ट्रियों में जा रहा है ये बंद हो जाएगा, किसान को समय पर मिले। तो दो चीज मुझे स्मरण है कि ये 2004 के लगभग ही हो चुका था। ये 10 वर्ष में महताब जी नहीं है, पूछ रहे थे जो उस समय क्या हुआ और आपने किया, तो मैं आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से उनके पास संदेश भेजना चाहता हूं कि 10 वर्ष में ये जो मॉडल एक्ट मार्केटिंग का गया सितंबर 2010 में एक बैठक हुई, इससे आगे गाड़ी नहीं। स्वामीनाथन जी और उनके आयोग की बात रिपोर्ट की बात करते हैं हम, उस पर भी बाद में आएंगे, उनके रिपोर्ट में भी ये बात थी और किसान नीति में भी ये बात आई, लेकिन फल नहीं हुआ। सरकार बनते जो 2004 का मॉडल एक्ट था जो पड़ा हुआ था जो स्वामीनाथन जी ने भी कहा था, सरकार बनते राज्यों को सर्कुलर भेजा कि आप इसमें से 3 कानून अपने राज्यों में लागू करें, कानून बदले। विलंब हुआ तो सभी राज्य के कृषि मंत्री को, मार्केटिंग मिनिस्टर को जो चार्ज में थे, या मार्केटिंग मिनिस्टर और मार्केटिंग सेक्रेटरी को साथ लेकर 3 दिन रहे बंगलोर कर्नाटक के हुबली में। येदुरप्पा जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2004 के बाद का जो रिपोर्ट था स्वामीनाथन जी का था, या सितंबर में यूपीए सरकार में भी जो बैठक हुई थी, कहीं लागू नहीं हुआ लेकिन वहाँ उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद की भी सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया और 150 मंडियों को, उस समय हम गए थे तो 50 मंडी जुड़ा था 1E ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। तो सब जब गए 2-3 दिन रहे, उसके आने के बाद 17 राज्यों ने नियमों में परिवर्तन किया,
आज 13 राज्यों की 417 मंडी जुड़ चुके हैं। अखबार में भी कुछ खबर छपती है और हम लोग भी जरा इसके गहराई में न जाने के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं कि अब मंडी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सॉफ्टवेयर जो हम लोग विकसित किए थे तो 14 अप्रैल 16 को उन्होंने लॉन्च किया था और राज्यों को 30-30 लाख रुपये हम लोगों ने देना शुरू किया कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करो, लैब लगाओ और किसान जब आता है तो उसका ग्रेडिंग हो और फिर बीडिंग हो। अब ये शुरू हुआ मात्र एक साल पहले और 30 लाख रुपया देना शुरू किया। राज्य जो प्रस्ताव भेजता है उसको हम अनुमोदित करते हैं तो 417 ऐसे हमने अनुमोदित किया है। राज्यों ने कानून बदला है, कुछ बदल रहे हैं, बिहार और केरल मणिपुर को छोड़कर सैद्धांतिक रूप से बाकी सारे राज्य इसमें लग गए हैं और जिन राज्यों ने कानून नहीं बदला उसके लिए नया फिर एक जो मॉडल एक्ट अभी कृषि मंत्रियों की बैठक में हमने जारी किया है, जो स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट के जो बचे हुए थे, 2004 के रिपोर्ट के जो बचे हुए शेष थे, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो उन राज्यों के लिए नया मॉडल एक्ट में फिर दिया है कि आप कोई एजेंसी, आप सरकार कानून नहीं बनाती है तो कोई एक एजेंसी तय करो जिसके माध्यम से मार्केट को वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जोड़ो। और स्वामीनाथन जी की अनुशंसा थी कि कम से कम 80 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक मार्केट हो और आज देश की हालत है कि 480 किलोमीटर के अंदर एक मार्केट है। तो नया जो मॉडल एक्ट हमने जारी किया है उसके अंदर प्राइवेट मार्केट और फॉर्म गेट तक मार्केट ये सब राज्य को कानून बनाना है और कई राज्य इसमें लग गए हैं। लेकिन जो ई मार्केटिंग हमने शुरू किया है अभी तेलंगाना और उड़ीसा को जरूर मैं बधाई दूंगा कि इसके पहले चरण में मार्केट के अंदर ही ई ट्रेडिंग हो, दूसरे चरण में एक मार्केट से दूसरे मार्केट के अंदर और तीसरे चरण में राज्य के एक मार्केट से दूसरे मार्केट को। तो जो पहले चरण का है दो राज्यों ने 44 में 40 मंडियों के अंदर तेलंगाना ने वो ई ट्रेडिंग शुरू हो गया मार्केट के अंदर और कुछ मंडियों में एक दूसरे से भी शुरू हो गए हैं और छत्तीसगढ़ के 10 मंडियों में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश ने परसों सूचना दी है कि हम 40 मंडियों में काम शुरू कर दिए और सभी राज्य के मार्केटिंग मिनिस्टर के साथ मेरी दो बैठक हो चुकी, अगले 3 महीना में बड़ी तेजी से सब लगे हैं कि मार्केट के अंदर ई ट्रेडिंग हो और फिर एक दूसरे मार्केट के साथ हो। लेकिन ये हम 585 मार्केट का कर पाएंगे और इसीलिए नया मॉडल जो हमने दिया है राज्यों को और उसमें ये सुविधा दी है कि फॉर्म गेट से लेके प्राइवेट मंडी तक की जो भी जोड़ो और हमारा जो जैसे कर्नाटक के एक अपना पोर्टल है 150 मार्केट जुड़े हुए हैं तो राज्यों को हम तो सिर्फ 585 मंडियों को जोड़ेंगे मार्च 18 तक जो देश की बड़ी मंडियां हैं। लेकिन राज्यों को भी कहा है कि अपना पोर्टल और नया मॉडल कानून बनाकर राज्य में भी बड़ी संख्या में इस प्रकार से ई ट्रेडिंग के लिए आप तैयारी करिए। दूसरा जो मैंने कहा जो तीसरा विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा। अब देखिए फसल बीमा योजना ये 2000 के पहले से चल रहा है देश, लेकिन हम जब सरकार में आए थे तो मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने का निर्णय हो चुका था, कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया था और बाकी राज्य भी लगभग शुरू किया। अब उसकी क्या विसंगति है जरा उस इतिहास को देखिए। बीमा मतलब बीमा, देखिए आप तो जैसे आप बोल रहे थे और चौटाला जी बोल रहे थे तो कुछ बात मेरे समझ में नहीं आई, हम बाद में बताएं। जैसे इन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य यहाँ दूसरा वहाँ दूसरा, वैसा नहीं है, देश भर में है। कोई राज्य बोनस देता है वो एक अलग विषय है, लेकिन समर्थन मूल्य पूरे देश में है और हाँ वही समाप्त, लेकिन समर्थन मूल्य पूरे देश में हमेशा एक रहा है, अलग अलग नहीं रहा है। और आप भी जो बता रहे थे कि फसल बीमा के आंकड़े दे रहे थे, हरियाणा का पूछा वो भी आंकड़े दे रहे थे, अब पता नहीं आंकड़े कहाँ से आते हैं। आंकड़ों का ऐसा पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, आंकड़ों का ऐसा पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री फसल, मैं वही बता रहा हूँ, नहीं नहीं आप वेबसाइट से लिया कब का लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप पहले तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विषय है, तो बीमा है, इंश्योरेंस है। आप भी अपना बीमा कराते होंगे और आपके परिवार के लोग आपके जिंदगी में पहुंच जाए कि मेरा बीमा का पैसा दो, ये संभव है क्या? आप बताइए। नहीं, आप देखो, आपने देखो मेरी, इसको समझ लो, बीमा समझ लो पहले। अब मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। बीमा देखिए, प्लीज 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 सुनो भाई, बीमा के विषय में जितने लोगों ने बोला उन्होंने कहा अच्छी योजना है, क्रियान्वयन की गड़बड़ी, उस पर भी मैं आऊंगा। ये योजना अच्छी है, ये बीमा है और योजना अच्छी है, ऐसा पूर्वांचल के भी बोल रहे थे, हमारे ये भी बोल रहे थे, क्रियान्वयन की गड़बड़ी, उस पर भी मैं आऊंगा। अब बीमा की जो स्थिति है कि पहले जो था, चर्चा हमारे एक मित्र ने किया कि प्रीमियम ज़्यादा था और हर जिला में अलग अलग रेट था उसका, फसलों का, अलग अलग फसल का भी था और ज़्यादा था। तो हम लोगों ने किया कि नहीं, 1.5% और 2%, अब बानी भी अभी तो बहुत कम हो गया किसान पर बोझ। दूसरा जो पहले था बीमा योजना, उसमें था कि नुकसान चाहे जितना हो, कैपिंग था, यदि 1 हेक्टेयर में 50,000 रुपया लगता है तो 20,000-25,000 रुपया, 18,000 रुपया उसको मिलेगा। अब एक किसान के लिए सुरक्षा कवच नहीं था, और स्वामीनाथन जी का क्या था कि उसको एक सुरक्षा कवच दो। तो इसकी चिंता किसने की? जिसने अपनी जवानी गांव में चाय की दुकान से प्लेटफार्म तक और खेत के मेड़ से घर तक बिताया था, जिसने देखा, जिसने पूरी जवानी खेत खलिहानों में बिताया, चाहे उत्तराखंड से लेके हिमाचल, पंजाब, गुजरात तक, उसने कहा तो बहुत अन्याय है। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब आई तो उसमें कैपिंग हटा दिया गया। फिर उसमें ये भी व्यवस्था पहले जो थी कि फसल यदि कट जाता है और खेत में पड़ा हुआ है, आपदा आएगी तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, इसमें कहा गया कि नहीं, 14 दिन तक भी पड़ा रहेगा तो रिस्क बढ़ा, और रिस्क बढ़ा तो प्रीमियम भी बढ़ता, और कैपिंग भी हटा दिया गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राज खजाने पर चाहे जितना भी बोझ पड़े, लेकिन रिस्क तो इतना रहेगा, और रिस्क कितना रहेगा, और इसका नतीजा ये हुआ कि किसान को कम देना है और जो भी प्रीमियम होगा उससे ज़्यादा जो भी प्रीमियम होगा, आधा भारत सरकार देगी और आधा राज्य सरकार देगी। नहीं, किसान को तो 1.5%, 2%, उस पर कोई बोझ नहीं है। अब मैं गुजरात 2 दिन था, ये समस्या है, जिन समस्याओं की चर्चा की बहुत लोगों ने, वो समस्या सही में आ रही है, 1 साल अभी हुआ है। अब जो समस्या आ रही है वो मैं बता रहा हूँ कि 1 साल हुआ है, हम उसकी समीक्षा जब अभी कर रहे हैं 1 साल पर, तो उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। मैं पहले तो समझ लीजिए, बीमा को समझ लीजिए और समस्या भी समझ लीजिए, तो आपको सुविधा होगी जब आगे बैठेंगे। तो ये जो प्रीमियम है, एक बार हम प्रीमियम समझाते हैं, जो आप बोल रहे हैं जो कंपनियों के पास बहुत जाता है, तो मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। आपने कहा ना जो 10,000 करोड़ चला गया, हाँ, वो जो आंकड़े हैं आपके अलग है अपने हिसाब से। अब हम मैं जो बता रहा हूँ सुन सुनिए कि 2010-11 और 12-13, ये 12-13 में जितना प्रीमियम कंपनी को गया, जबकि इतना रिस्क नहीं था, 2011-12 में, सर जरा इधर, आपके माध्यम से मंत्री जी कि स्पीकर चेयर में बैठी है, आपके माध्यम से तो उनको संबोधित करो, तो माननीय सदस्य, सभी माननीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूं कि 2010-11, 12 और 12-13 में जो प्रीमियम कंपनियों के पास गया, उसका चूंकि मौसम अनुकूल था, इसलिए मात्र 13% ही कुल प्रीमियम, 63% ही किसान को भुगतान हुआ।
इस तरह इसके बाद देखिएगा 14, 15 और 15, 16। अब 14, 15 में मौसम अनुकूल था तो 14, 15 में 3,560 करोड़ का प्रीमियम जमा हुआ और भुगतान हुआ 14, 15 में, तो 14, 15 में प्रीमियम 3,560 का भुगतान हुआ 3,548 करोड़। 15, 16 में भी इस समय भी आपदा थी, 15, 16 में तो प्रीमियम गया 3,076 करोड़ और भुगतान हुआ 4,071 करोड़। अब 16, 17 में आपदा नहीं आई तो कहाँ से आपदा लाया जाए। ये तो है कि एक मिनट सुनिए, ये तो है कि आपदा है तो सुरक्षा कवच मिले। अब जो 15, 16 में जो पहला सीजन लागू हुआ उसका जो एक अंदाज है, जो अंदाज है कि अभी तक जो दावा आया है वो दावा है ये खरीफ जो 16 में था, 16, 17 में जिसमें पहली योजना शुरू हुई, इसमें प्रीमियम जमा हुआ, इसमें जो प्रीमियम है मैं वही बता रहा हूँ आप सुनो। आपने उस समय भी आपने दिए जब जबरन नहीं लिया जाता था। देखिए आप सुनो, सुनने का साहस रहो, सुनो। आज किसान को क्रेडिट कार्ड से जबरन, अरे मेरी पूरी बात सुनने के बाद सवाल पूछो। लेकिन आप बीच में मेरी बात ना सुन रहे हो, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये ऐसे मंत्री जी, आप माननीय मंत्री जी, तो सुन बात, अध्यक्ष महोदय प्लीज चेयर से बात करो, बाकी किसी से नहीं देना, हर एक के प्रश्न का उत्तर नहीं देना। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य कंफ्यूज हैं कि जिस दिन मेरा उत्तर था उस दिन कितना भुगतान हुआ और आज मैं बोल रहा हूं तो कल तक कितना भुगतान हुआ, तो वो मैं आंकड़ा दे रहा हूं इनको। और ये तो बीमा है ना, आपदा आएगी तो बीमा पे होता है, नहीं होता है समझ नहीं, लेकिन सब फिर भी मैं इनको बताता रहा हूं कि इस साल समझे तो आप आगे, इस साल जो दावा, आप बैठिए, बार बार ऐसे प्रश्न नहीं होते जो महोदय, ये स्थिति वैसी है, ये महोदय अभी इनको बोल सर, ये विषय ऐसा है कि एक बार मैंने कहा इसी सदन में कि कितना इलाके में ये ओलावृष्टि से प्रभावित हुई, फिर उसके बाद हमने बोला उसका रकबा, 15 दिन के बाद फिर सवाल आया, हर सप्ताह के बाद राज्य जो रिपोर्टिंग भेजती है तो उसी तरफ के एक माननीय सदस्य ने कहा जी आंकड़ों में हेराफेरी कैसे है, अरे 15 तारीख को यदि राज्यों ने आंकड़ा दिया कि मेरे इलाके में 1,00,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई और हर सप्ताह की रिपोर्ट देता और बीच में आपदा आ गई तो 15 दिन के बाद फिर उसका रिपोर्ट बढ़ गया, तो यहाँ पूछते रहे 2 दिन तक परेशान रहे कि आंकड़े में क्यों हेराफेरी हो गई। तो ये बीमा कंपनियां जो दावा भुगतान कर रही हैं, हम प्रति सप्ताह इसको जानकारी ले रहे हैं और एक जानकारी के मुताबिक इस वर्ष भी 15 करेंगे। आप इस पर भी दे सकते, इस बार का जो मेरा अंदाज है कि इस बार भी जो दावा बना है वो लगभग प्रीमियम का 63% तक जाने की संभावना है। अब कहेंगे विलंब क्यों हो रहा है, विलंब का कारण है कि कई राज्यों में जो नीचे में आंकड़े इकट्ठे करने की मशीनरी चाहिए, इसके अभाव में बीमा कंपनियां भी लाभ उठाने की कोशिश करती है और उनको टहलाती है, आंकड़ा कम करती। सही बात सुनने के लिए आप तैयार कहा होगे, समझोगे नहीं तो भविष्य में भी नहीं समझ पाओगे, आज नहीं समझोगे तो सुने, आप बैठिए ना, आप राजनीतिक जवाब मिल चुका है, मुझे मजबूर मत करो यार, प्लीज महोदय, इनको राजनीतिक जवाब मिल चुका है ना, माननीय मंत्री जी, माननीय बैठिए, आप बैठिए, नहीं नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस।
माननीय मंत्री जी, आज ही ये डिस्कशन आज ही समाप्त करना है, दस बज रही है, लेकिन माननीय सदस्य को, माननीय सम्मानीय सिंधिया जी को राजनीतिक जवाब मिल चुका है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं राजनीतिक जवाब दूं। मैं सीधे बात पर आ रहा हूं, उनको मत दो, आप पूरे सदन को जानकारी दो। आकलन के मुताबिक जहां जहां ये विवाद उठ रहे हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और 6 राज्यों को बीमा कंपनियों के साथ बैठाकर उसका निपटान किया है। नई टेक्नोलॉजी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हम उसको कर रहे हैं। दूसरा कि बीमा कंपनी को लाभ न हो तो सभी राज्यों को पत्र दिया है कि राज्य की एक बीमा कंपनी कराओ, किस राज्य में किस फसल का बीमा होना है राज्य सरकार को नोटिफाई करना है, राज्य सरकार को टेंडर करना है, कंपनी चुनना है, तो पंजाब और गुजरात जैसे 2 राज्य अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं। माननीय सम्मानीय सदस्य भी जिन जिन राज्यों में हैं, मदद करें जरा, कंपनी न लूटे, राज्य सरकार वहां पर बीमा कंपनी बनाए। तो आप बैठिए, अभी कुछ नहीं होना, बैठिए। इसीलिए राज्य को भी लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बीमा है, रिस्क है, और किसी राज्य को लगता है, हम तो बीमा कंपनी 2 के खिलाफ आवेदन आए हैं, राजस्थान तमिलनाडु से हम जांच करा रहे हैं, और जिसमें गलती पाएंगे उसको उसका कैंसिलेशन करेंगे, लेकिन राज्य सरकार भी बीमा कंपनी बनाए। और माननीय सदस्य ये समझ ले कि इसी सदन में एक सांसद है जो अपने लोकसभा में 90% किसानों का बीमा कराया और आपदा वहां आई भुगतान कराया। अभी बीदर के सांसद का मैं देख रहा था कि उनके एक तहसील में 3,65,000 किसान हैं, बीदर के सांसद का, उसमें 3,25,000 किसानों का बीमा कराया। तो सब लोग इसमें लगे और आपदा है तो उसको सुरक्षा कवच मिले, ये सुरक्षा कवच है। राज खजाने पर जितना बोझ पड़े सरकार उठाने की तैयार है, कंपनियां हेरी फेरी करेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। और राज्यों को भी कहा है कि अपनी कंपनी बनाओ, कहीं कहीं ये कंपनी वाले आपस में मिल भी जाते हैं टेंडर के समय, ऐसा गुजरात की बैठक में मुझे जानकारी मिली, और गुजरात की सरकार अपनी कंपनी बनाने जा रही है, पंजाब ने तय कर लिया है। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ कि आमदनी बढ़ाना, तो आमदनी बढ़ाने के लिए सिर्फ अनाज की ही खेती नहीं, एलाइट सेक्टर में जाना होगा, और एलाइट सेक्टर के अंदर मेरा वेबसाइट ही, यदि आप देखते हैं तो आप कहाँ सोए थे, मेरे समझ में नहीं आया जब पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जितने संकर और विदेशी नस्ल के पशु दुधारू गाय हैं इनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा, कहाँ सोए हुए थे, ये बताना पड़ेगा जब सवाल पूछते हैं तो। और कोई योजना देश में नहीं चली, 80% देसी नस्ल की गायें 20% दूध देती है। इसी मोदी सरकार ने गोकुल मिशन चलाया, सरकार में आते हैं और राज्यों के अंदर से प्रस्ताव आए और 35 परियोजनाएं राज्यों के अंदर शुरू हो गई 2 वर्ष पहले, 2 देश में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, एक आंध्र का बन गया, मध्य प्रदेश में बन रहा है। इसके अलावे राष्ट्रीय बोमाइन उत्पादकता मिशन देखेंगे तो 3 साल की तुलना में 3 साल में 20% उत्पादन में वृद्धि हुई है। हम आंकड़े नहीं बताना चाहते, उनके वेबसाइट पर देख लेंगे। इसी तरह से नीली क्रांति के अंदर सारी योजनाओं को एक साथ लाकर जो पिछले 2 वर्ष से कर रहे हैं 17% की वृद्धि हुई है 3 वर्ष के तुलना में। और इतना ही नहीं, तो कहाँ थे डीप फिशिंग, 14 समुद्री मील के अंदर अब मछली है कहाँ, बरसों से हमारे मछुआरे उसमें मार रहे हैं, मछली उसमें खाली है, नहीं है। तो डीप फिशिंग की कोई योजना नहीं थी, हमने देश के अंदर डीप फिशिंग की योजना लाई है और मछुआरों का ग्रुप बनाकर 5-7 का ग्रुप या सोसाइटी को 40,00,000 रुपये का अनुमान दे रहे हैं, और ये तमिलनाडु से शुरू किया है, 200 करोड़ रुपया तमिलनाडु को दिया है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा संकट है, लेकिन सभी तटवर्ती राज्यों के लिए। इसी प्रकार से दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि मधुमक्खी पालन से उत्पादकता बढ़ती है, किसान की आमदनी बढ़ती है, कहाँ थे, क्या किए। इसी तरह से किसान की आमदनी बढ़ानी है तो पेड़, नहीं, राज्यों के अंदर कानून ऐसे थे कि हरा पेड़ कोई किसान काटेगा तो पुलिस पकड़ कर ले जाती थी, जबकि हिंदुस्तान
दुनिया में सबसे ज्यादा इमारती लकड़ियों का आयातक देश है। इसी प्रधानमंत्री जी के पहल के बाद ये राज्य को कानून बनाना है। सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई, बैठक हुई और 8 राज्यों ने पिछले वर्ष कानून में परिवर्तन किया। 20 प्रजाति की लकड़ियों को किसान खेत में रोपे, उसको काटे, उसको ढोए, कोई प्रतिबंध नहीं। 8 राज्यों ने पिछले ही वर्ष कानून बदला, 5 राज्यों ने अभी कानून बदला है। राज्यों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी, कृषि ऋण की बात हो रही थी। अब कृषि ऋण प्रवाह साहूकार से मुक्ति मिले, किसान को कर्जे की आदत न पड़े, लेकिन साहूकार से उसको मुक्ति मिले, इसके लिए अब आप देखिए कि 13-14 में 7 लाख करोड़ का ऋण प्रवाह था, इस वर्ष 10 लाख करोड़ का है। इस वर्ष 10 लाख करोड़ का है। जो ब्याज सहायता है, ब्याज सहायता 13-14 में 6,000 करोड़ रुपये था, 17-18 में 20,339 करोड़ का है। और इसी प्रकार से ये जो कोई सदस्य चर्चा कर रहे थे कि जो भूमिहीन किसान है, एकदम छोटा किसान है, उसको ऋण कहाँ से मिलेगा? अब उसकी योजना 2007 में शुरू हुई। अब 2007 में जो योजना शुरू हुई, अब आप विचार करिए कि 7 से 14 तक 7 वर्षों के अंदर, इसमें नियम है कि 4 से 10 का ग्रुप बनाकर और उसको ऋण देना, ज्वाइंट लेबिलिटी। तो 7 वर्ष में 2007 से 14 तक 6.7 लाख ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप बने और 6,630 करोड़ रुपये उनको दिए गए। ये 7 साल का कर्तव्य। और इस 3 वर्ष के अंदर 22.57 लाख समूहों को 22,898 करोड़ रुपये दिए गए। ये ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप, अब सुनने का साहस महोदय, ये साहस इनके पास, इनके पास सुनने का है, इनके पास सुनने का साहस नहीं है। आप समर्थन मूल्य की चर्चा कर रहे थे, समर्थन मूल्य की चर्चा कर रहे थे, अब आंकड़े अपने गढ़ते हैं, इनको पता नहीं है, इनको सुनने का साहस नहीं है। सुनने किसानों की क्या? अध्यक्षा जी कांग्रेस पार्टी इसके बारे में, यानी कृषि संकट के बारे में, खेत और किसान के बारे में उन्होंने चर्चा मांगी थी और हम चर्चा, आपने चर्चा का इजाजत दिया और 5.5 घंटे से ज़्यादा पूरा सदन ने चर्चा किया, लेकिन आखिरी तक सुनने का और संख्या भी देखी, कुछ कोई सिर्फ 2-3 लोग, यानी हम सोच रहे थे पूरा संख्या रहेगी, बहुत गंभीरता से इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी अभी इसको रखेंगे। समर्थन मूल्य की चर्चा कर रहे थे। अब जब हम सरकार में आए थे, उसके पहले का वर्ष था 13-14। अब 13-14 में जो अरहर की बात कर रहे हैं, 4300 रुपये उसका MSP था, और अभी हमने जो किया है खरीफ में, वो किया है 5,450 रुपया, 1,150 रुपये की बढ़ोतरी, 26.74% बढ़ोतरी हमने तूर दाल में, अरहर दाल में की है उनकी सरकार के बाद आने के बाद। इसी प्रकार से मूंग में लगभग 24%, उड़द में 26%, और कोकोनट सनफ्लावर जो तिलहन है उसमें भी इसी प्रकार की हमने बढ़ोतरी की है। और ये जो मूल्य लागत आयोग है, उसकी जो सिफारिश आती है, उस सिफारिश से भी बढ़ाकर इसमें बोनस दिया है और समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इसी तरह से ये जो ये फसल बीमा तो ठीक है, मुआवजा मिलता है, लेकिन जो आपदाएं आती है, ये लोग कहाँ सोए हुए थे, देश के किसानों को 50% नुकसान होगा तब ये उसको राहत मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत पहल की
और 33% नुकसान हो तो भी उसको राहत मिलेगा। और इतना ही नहीं तो जो राशि मिलती थी प्रति हेक्टेयर उसको 1.5 गुना करने का काम ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आपदा कोष है इससे राज्यों को पैसा जाता है। तो 11 से 14 का जो इनका राष्ट्रीय एक तो राज्य आपदा कोष होता है जिसमें राज्यों को पैसा जाता है और 5 वर्ष का आवंटन जाता है। तो ये 5 वर्ष का जो आवंटन था 33,000 करोड़ का, मोदी सरकार के आने के पहले का 5 वर्ष का आवंटन था 33,000 करोड़ का, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य आपदा कोष की राशि को बढ़ाकर 61,000 करोड़ रुपया किया गया। इसके बाद भी अभी राज्य में गंभीर आपदा आती है, राज्य की ओर से प्रस्ताव आते हैं, तो उस परिस्थिति में इनके हमारे पहले 11 से 14 3 वर्ष तक राज्यों ने मांग किया कि हमारे यहाँ बड़ी आपदा आई है, हमको केंद्र मदद करे। तो मांग थी उसकी तुलना में ये 9,099 करोड़ रुपया दिए थे 3 साल में, 9,099 करोड़, और मोदी सरकार के आने के बाद 3 वर्ष में हमने दिया है 29,000 करोड़ रुपया राज्य 29,000 करोड़। इसी तरह से यदि ये चर्चा कर रहे थे आत्महत्या किसी की भी हो वो बहुत दुखद है, एक भी हो या 1 लाख हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब सूखा पड़ा था 2002 में तो 2001 की तुलना में ये 16.3% संख्या बढ़ गई थी आत्महत्या। सूखा पड़ा था 2009 में तो 8 की तुलना में 13.7% बढ़ा था, ये भी दुखद। और सूखा पड़ा था ये 14-15 में तो 8 की तुलना में 9% बढ़ गया था, और ये जो 16 में जो 2015 के जो आंकड़े तो थे जिसकी सब चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल ही हमने जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उससे लिया है जो अब पब्लिश होगा, ये 2016 का आंकड़ा, 2016 एक साल बाद आता है वो, 16 के जो आंकड़े हैं 15 में ये था 12,602, 16 के जो आंकड़े बोल रहे हैं वो 11,458 है। मतलब इसके कई कारण हैं, लेकिन ये आत्महत्या निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ लग रही हुई है, और इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ है उसकी आमदनी बढ़ाना। और इस दिशा में इस 3 वर्ष के अंदर जो काम हो रहा है यदि पहले किया गया रहता तो ये स्थिति आज किसान की नहीं होती। ये जो कर्तव्य कोई दिखाता है, हमने 3 वर्षों के अंदर जो किया है, हम ये भी बताना चाहेंगे कि पहले जो बजट इनका होता था, ये जो बजट होता था कम होता था, हमारा ज्यादा हो रहा है, और इनका जो बजट होता था उस साल में उतना खर्चा नहीं करते थे। 11-12 में बजट था इनका 24,000 करोड़ रुपये का, खर्चा किए 23,000 करोड़ रुपया। 12-13 में बजट था 28,000 करोड़ का, खर्चा किए 24,000 करोड़। 13-14 में इनका बजट था 23,000 करोड़ का, खर्चा किए 25,000 करोड़। और हमारा 16-17 का बजट यदि था 45,000 करोड़ तो प्रधानमंत्री जी के मॉनिटरिंग के कारण, और 29 राज्यों में मैं खुद गया हूँ, राज्यों के साथ बैठक की है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि 16-17 का जो 45,000 करोड़ का बजट था खर्चा 57,000 करोड़ हुआ है, ये रिकॉर्ड। इसी तरह से 11 से 13-14 ये 3 वर्ष के अंदर जो इनका बजट था कृषि में 1,04,000 करोड़ का था, और हमारे 3 साल का बजट है, हमारे 3 साल का जो बजट है वो आप देखें तो 1,64,415 करोड़। तो पूरी ताकत के साथ प्रतिबद्धता के साथ हम किसानों की आमदनी बढ़ाने में लगे हैं। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कोई योजना थी क्या? आज 2.5 लाख किसान इस काम को कर रहे हैं, इसी 3 वर्ष के अंदर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट चलाया है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और 2.5 लाख किसान इसमें लगे हैं। और जितने कृषि विज्ञान संस्थान हैं, जितने यूनिवर्सिटी हैं, ICAR के संस्थान हैं, वहाँ उसके मॉडल बनाए जा रहे हैं,
और राज्यों को जो हमने पैसा दिया रेनफेड एरिया डेवलपमेंट मोदी सरकार के आने के बाद, तो 2.5 लाख के लगभग किसान उनकी आमदनी बढ़ रही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तरफ योजना के तहत, तो पूरी ताकत के साथ लगे हैं और किसान इस दिशा में बढ़ रहा है। अब इसको रोकना चाहते हैं अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, अपने उनके कर्तव्य उजागर ना हो इसके लिए प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन देश के किसान इसको मान रहे हैं कि आज देश